आज के इस वीडियो में हम उस महिला के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सैकड़ों लोगों के साथ संबंध बनाए और उसकी भूख वहीं तक नहीं सीमित रही तो उसने घोड़े को भी नहीं छोड़ा। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इतिहास की किताबों में राजा रानियों को लेकर तरह तरह के किस्से कहानियाँ पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट तृतीय के अजीबोगरीब यौन व्यवहार को लेकर बहुत सारी चौंकाने वाली कहानियां हैं। कहा जाता है कि कैथरीन ने अपने पति पीटर से संबंध खत्म करने के बाद अपने महल से सैकड़ों सेक्स गुलाम पाले थे। रानी के हर छोटे बड़े काम के लिए कुंवारे जवान सेवक तत्पर रहते थे। रानी ने अपने महल के हर कमरे में इन गुलामों को तरह तरह के काम दे रखे थे। खास करके यह रानी की महल की कोई सेविका नहीं थी। रानी अपने निजी और अतरंग कामकाज भी गुलामों के साथ ही करवाने पसंद करती थी। कैथरीन और उनके पति पीटर के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। रानी की बायोग्राफी कैथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में इस बात का जिक्र है कि 8 साल तक दोनों के कोई संतान नहीं हुए और जनता के बीच पीटर की मर्दानगी को लेकर बातें उठने लगी थी। दोनों के बीच संबंध इस कदर कमजोर हुए कि बेबस पीटर अपने महल में रंगीनियों में डूब ही गया और कैथरीन अपने सेनापति के साथ विवाहेतर संबंध में रम गई। इसी बीच कैथरीन ने पहले बेटे को जन्म दिया जिसका नाम पॉल था। अफवाह उड़ी कि पीटर नामर थे और ये बच्चा कैथरीन और सेनापति का था। हालांकि बाद में कैथरीन ने कई प्रेमी बदले और 3 और बच्चे को जन्म दिया और हर बार पीटर की नामर्दी पर सवाल उठे। पीटर और रानी कैथरीन के बीच कैथरीन के प्रेमियों को लेकर कई बार तकरार हुई और यह तकरार महल के बाहर भी सुनाई देती थी, लेकिन कैथरीन अपने प्रेमियों से दूरी नहीं बना रही थी। इतना ही नहीं, कैथरीन अब पूरी तरह से पीटर से किसी भी प्रभाव से आज़ाद हो चुकी थी। museumsecret.tv पर दिखाई गई हरमिटेज सेटस सीक्रेटस नाम की एपिसोड में इस बात का उल्लेखन है कि रानी ने महल के पास सेक्स सैलून बनवाया था। जवान लड़के के साथ इस तरह सेक्स का खेल खेलती थी रानी। रानी के अजूबे गरीब शौक थे, वह अपने नौकर के साथ भी संबंध बनाती थी। रानी की मौत के बाद शासक बने उसके बेटे पॉल प्रथम ने जब महल की छानबीन करवाई तो रानी के महल के ठीक बराबर एक छिपा हुआ सैलून मिला जहाँ यौन कलाकृति वाली मसाज कृतियाँ मिली। इन कृतियों पर संभोग कर महिला और पुरुषों की आकृतियाँ उकेरी गई थी। कहा जाता है कि यह रानी अपने यौन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बैचलर पार्टी करती थी जहाँ राज्य के जवान लड़कों को पार्टी करने के लिए बुलाया जाता था। रानी इन युवक के साथ सेक्स प्रयोग करती थी और अपने यौन आकांक्षाओं को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। रानी ने इस पैलेस को पेटिट हर्मिटेज का नाम दिया था। रूस में स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम में रखी सैलून की यौन आकृतियों वाली मसाज कृतियाँ इस बात की गवाह है कि अपने पति और प्रेमियों के बावजूद रानी कैथरीन अजीबोगरीब यौन आकृतियों बनाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि रूस की इस महारानी कैथरीन की मौत अस्तबल में घोड़े से सेक्स के दौरान हुई थी। रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट द्वितीय को सेक्स की कितनी भूखी थी यह बात से पता लगाया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।